Assalamualaikum everyone. I hope all of you are fine and going good. तो आज जो है वो मेरी बर्थडे है. I am finally 18 years old. 18 साल हो गए हैं इस दुनिया को देखते हुए. ठीक है, अल्लाह ने चाहा तो और देखेंगे. मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को बहुत खुश रखे. जिस चीज़ की भी हम ख्वाहिश करते हैं, जायज़ चीज़ की, अल्लाह ताला हमें उस चीज़ को दे. ठीक है, आमीन. और अभी ना मेरा जो गला है वो बहुत ख़राब है, तो अभी बस मैं चाह रही हूँ मेरा गला ठीक हो जाए. मतलब अभी अगर हो जाए ठीक. दो दिन हो गए हैं गला इस तरह से है ख़राब, लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो गया. लेकिन अभी मैं चाय पी रही हूँ तो गला बेहतर हो रहा है. अच्छा, एक और फन पॉइंट शेयर करती हूँ कि मेरी ना 3 दोस्त हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग मी, मतलब 2 दोस्त हैं. तो हम लोग की बर्थडे ना इस तरह, एक की 26 है, मेरी 27 और एक की 29. और जिसकी 29 है ना उसकी मैं 28 समझती रही हूँ बहुत लंबा टाइम. जिसकी 29 है वो एक दिन आगे चली गई है, एक दिन आगे. मतलब मुझे ये जो पॉइंट है ना वो बहुत मज़े का लगता है. इट्स अ वेरी कोइंसिडेंट, और क्या उसे कहें, मतलब अच्छा, मतलब मज़ा आता है यार क्या. और मेरी हर व्लॉग का स्टार्ट ना इसी जैकेट से होता है. मेरे पास और जैकेट्स भी हैं, और अभी जो मैं बात कर रही हूँ वो भी मैंने पहली वीडियो में की हुई है. फ्राइडे है, ठीक है, मेरी बर्थडे फ्राइडे को है, और मैंने जो है वो कॉलेज से छुट्टी की है. मैं हर फ्राइडे कॉलेज से छुट्टी कर रही हूँ. आई डोंट नो, सब अच्छी चीज़ें फ्राइडे को ही आ रही हैं. तो एनीवेज, नाउ आई विल टेक बाथ. ठीक है, बालों के हालात आप खुद देख सकते हैं, सो ग्रीसी, जी ऑयली ऑयली से हुए हैं हम. तो यस, उसके बाद न्यू एनर्जी के साथ वापस आएंगे. यार न्यू ईयर में भी मैं कहती थी न्यू एनर्जी, अब बर्थडे पे ही आ जाए न्यू एनर्जी. तो यस, बिफोर गोइंग आई विल शो यू माय फर्स्ट गिफ्ट. अच्छा, गिफ्ट्स की ना मैं एक अलग ब्लॉग डालूंगी. ठीक है, आई एम नॉट शोइंग ऑफ. ठीक है, किसी को अगर लगता है तो कोई बात नहीं, आप बड़े आराम से लगाओ अपने आप को ये चीज़. लेकिन मैं पर्सनली अपनी मेमोरीज़ क्रिएट करने के लिए वीडियोस बनाती हूँ, व्लॉग्स बनाती हूँ. और जब मैं बोर हो रही हूँ या मैं ज़िंदगी में डाउन हो तो मैं अपनी ही वीडियोस खोल के देख लेती हूँ, तो आई फील गुड. पहला गिफ्ट मेरी अम्मा ने मुझे चाय बना के दी है. ठीक है, ये वैसे गिफ्ट मुझे रोज़ ही मिलता है तो, लेकिन इसकी बहुत वैल्यू है लिटरली. उसके बाद ये रात को ना मेरी ग्लासेस आ गई थी, तो इसको भी मैं अपना गिफ्ट ही बोलूँगी. बाद में आपको खोल के दिखाती हूँ, अभी खुल नहीं रही. और ये तो यार ज़िंदगी है, इसको ना हम कहते हैं अंगूरी भी कह सकते हैं, इसको सोन हलवा भी कह सकते हैं. लेकिन जो सोन हलवा होता है ना वो ब्लैक ब्राउन सा होता है, लेकिन ये जो है यार ये बहुत मज़े का है. मतलब इसमें दूध में सू, मैं सारे नाम बता रही हूँ कि शायद किसी को टेस्ट आ जाए, लेकिन ये चीज़ बहुत अच्छी है, बहुत मज़े की है, फॉर रियल बहुत मज़े की है. ठीक है, तो ये मुझे कल मिला. ये सारी चीज़ें मुझे मेजॉरिटी ऑफ गिफ्ट्स मेरी बर्थडे से पहले ही मिले हुए हैं. द रीज़न आई डोंट वेयर ग्लासेस, मुझे मेरी पहले भी जो ग्लासेस थी ना, मैं सिर्फ स्कूल में वो भी मजबूरी में पहनती हूँ जब मुझे बोर्ड नज़र नहीं आ रहा होता, वरना मैं लेंस पहनती हूँ. अभी एक लेंस भी बनने दिए हुए हैं तो वो इंशाल्लाह आ जाएंगे. और मैं रेगुलर लेंस ही पहनती थी पहले तो, बहुत रेगुलर, लेकिन फिर ना थोड़ा सा आंखों ने थोड़ा माइंड किया तो फिर मैं दोबारा ग्लासेस पे आ गई. तो अब जो है ये नया नंबर वाली ग्लासेस हैं, होपफुली मैं ये पहन लूँ, क्योंकि यार मसला होता है ना, पहनो तो नंबर भरने लग जाता है, पहनो तो मतलब इट्स वेरी ऑकवर्ड टू वेयर ग्लासेस. मुझे लिटरली नहीं पसंद ग्लासेस पहनना. तो आई एम रेडी, और अभी थोड़ी देर के अंदर जो है वो मेरी दोस्तें आने वाली हैं, और फिर जो है वो केक काटेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे. We'll be right back.
हाय गाइस, वेलकम बैक। तो अभी ना रात हो चुकी है, ठीक है। मैं तैयार व्यार हुई थी सारा कुछ कि मैं बहुत अच्छे से आज का दिन ब्लॉग करूँगी, लेकिन मेरी दोस्तें आ गई थी, फिर उनके साथ यू नो सारा टाइम गुजार के तो फिर मुझे याद आया कि ओफ मैं व्लॉग भी बना रही हूँ। बट मैं फिर भी जो जितने भी क्लिप्स हैं ना वो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ताकि आप लोग भी देख के इंजॉय करो। और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के अंदर देखेंगे कि क्या क्या गिफ्ट मिला है। एंड यस, अच्छा लास्ट बात, मेरा गला स्टिल ख़राब है, वैसे रात हो गई दिन से। तो कैसा लग रहा है बर्थडे के बाद मुझे, मतलब बड़ा, किसी ने पूछा नहीं, वैसे मैं खुद ही बता रही हूँ। अब लगता है कि इंसान को लाइफ में सीरियस हो जाना चाहिए। मुझे लगता है टीन एज आई गेस ख़त्म हो जाती है 18 या फिर 19, मतलब अगले साल तो पक्की ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आई वुड बी एन एडल्ट। यार मुझे यकीन है, मैं अभी लिटरली छोटी होती थी कुछ टाइम पहले तक, लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप के यू लाइक दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।